महिला विकास मंच की महिलाओं से तेजस्वी यादव बात करें, देख रहे हैं आरती। आरती देखिए, आरती वहीं पर तेजस्वी यादव के बगल में खड़ी है और तेजस्वी यादव से आज आरती अररिया से मिलने के लिए आई है। आप देख सकते हैं ये तस्वीर, महिला विकास मंच की लगभग 10 से 15 महिलाएं हैं जो आरती को लेकर के तेजस्वी यादव से मिलवाने के लिए लाई हुई है। देखिए देखिए तस्वीर देखिए, अब ऐसा लग रहा है कि जो आरती का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, तेजस्वी यादव जो हैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। देखिए तस्वीर देखिए, क्या क्या बात हुआ आरती तेजस्वी यादव से? बात हुए, बोले कि ठीक हम देखेंगे देखेंगे। और क्या बोले हैं? और हर एक चीज का सांत्वना दिया उन्होंने। आप इधर आइए, घबरा क्यों रही हैं आरती? ये बीए पार्ट वन में इन्होंने बोला ग्रेजुएशन ये पूरा करेगी, इसके लिए काम की भी व्यवस्था जो प्रक्रिया है उसको पूरी करके हम करेंगे जरूर। इसको जीने का, काम करने का हक है। लेकिन क्या हुआ क्या हुआ आरती आपको? आप पटना आ गई, क्यों डर रही हैं? तेजस्वी से इसलिए ना मिलने आए कि आपको डर ना लगे। आप मिल ली ना, क्या मतलब लग रहा है कि अब आपको इंसाफ मिलेगा? जी लग। तो आप डर क्यों रही हैं? डर कहाँ रहे हैं, आप आइए इधर। हम लोग दीदी लोग के साथ, हम तो दीदी लोग के साथ आई हैं, तो डर कहाँ रहे हैं? तो तेजस्वी यादव आपसे साफ साफ क्या बोले ये बताइए? बोले कि हम देख रहे हैं, देखेंगे इसको, देखेंगे जी। और कुछ बोले? जी मरने नहीं देंगे, जीने देंगे, हाँ किसी भी स्थिति में न्याय देंगे, मरना नहीं दूंगा। क्योंकि आप बहुत देर से तेजस्वी यादव का इंतजार कर रही थी जी। नहीं, हम लोग 15-20 मिनट किए, वो उन्होंने जो वादा किया कि मैं आता हूँ आधे घंटे के अंदर, तो वो आए। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी, हम सब से महिला विकास मंच से उन्होंने कमिट किया और वो उन्होंने पूरा किया और अच्छा से मिले आधे के अंदर, जो कि पहले कभी नहीं होता था वो आज हुआ। महिला विकास मंच लगातार कई बार न्याय के लिए आवाज उठाई है, आज पहली बार बिहार की धरती पे ऐसा हुआ कि महिला विकास मंच का आवाज सुनने वाला कोई युवा हमारे सामने आया। ये इतिहास है, बिल्कुल। आप कैसे कह सकते हो कि नहीं? इसी तरह का पूछे जाके भाजपा वालों से। अब मैं बोलती हूँ खुल के, कितनी बार हम लोग गए हैं, कोई हमसे मिलता नहीं था, आज तो वो मिले, आज पहली बार आए और मिल भी लिए। वो तो आरती को कहाँ से धमकी मिल रही है? आरती को गांव के एरियाज की जो पॉलिटिक्स है, लोकल पॉलिटिक्स की, वो षड्यंत्र की शिकार वो होगी। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो लोग गए हैं, नहीं नहीं नहीं, अरे बोला गया, अरे भाई बोला, सुनिए ना आरती की बात, अरे भाई आरती की बात छोड़ दो। जब मुझे कॉल आ सकता है कि छोड़ दीजिए ना इस केस में से, क्यों आप लोग पढ़िए, हट जाइए, धमकी दे के जा रहा है घर पे, धमकी दे के जा रहा है, क्यों बोलेगी? कल को उसी कारण मारी जाएगी, ऐसा काम मत कीजिए। तो हो सकता है कि आरती को एक पॉलिटिकल मोहरा बनाया जा रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से थोड़ी ना है। हाँ धमकी मिल रहा है, ऐसे गाँव वाले सब दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप लोग कि ऐसे मतलब उठा लेंगे? मतलब किसके, आपके गाँव वाले लोग? हाँ मेरे आप वो सीन भूल गए जब लाठी लेके आरती को लोग मारने दौड़ता था, तो वो तो मौके की तलाश में होगा ना, किस तरह पुलिस यूं आरती को बचा के निकालती थी और पूरा गांव लाठी लेके खड़ा रहता था, तो वो चीज खत्म हो गई होगी क्या? जो साक्ष्य आंख से दिख रहा है उस पे आप लोग सवाल क्या पूछते हो भाई? न्याय में कहीं कहीं लेट हो रहा है, न्याय में लेट हो, लेकिन तेजस्वी यादव पे पूरी उम्मीद है। और तेजस्वी यादव से मिलने का सलाह किसने दिया था और क्यों आए? तेजस्वी यादव को हम अपने महिला विकास मंच के पास आए थे, दीदी सबके पास, तो बोली कि ठीक है चलिए हम वहाँ जाते हैं। आश्वासन मिला था जैसे, क्या बोले? बोले कि हम करेंगे, देखेंगे। इनके पहले पूर्ववर्ती जो सरकार थी उसमें क्या आपको हेल्प नहीं मिल रहा था क्या? नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ के बीजेपी विधायक पे भी आपके ससुर जी उंगली उठा चुके हैं, सो कॉल्ड ससुर जी उंगली उठा चुके हैं भैया। ऐसा तो नहीं कि मतलब विधायक जी की संलिप्तता की वजह से जो इस केस में जो है वहाँ पे धीमा पड़ा हुआ था, और अब आप आई हैं तब अब जो है महागठबंधन की सरकार है, इसमें इंसाफ की उम्मीद है? ऐसा ही है क्या? मतलब पहले वाली जो सरकार थी वो आपको कोऑपरेट नहीं कर रही थी वहाँ पे, जांच में उसको, जांच को प्रभावित कर रही थी? तेज बोलिए। मतलब पहले वाली सरकार जो थी, जो बीजेपी और जदयू के बीच की गठबंधन वाली जो सरकार थी, वहाँ पे आपकी न्याय की उम्मीद घट गई थी, और अब जब राजद की सरकार जब आई है, राजद और जदयू की, अब आपको उम्मीद बढ़ी है कि हमें इंसाफ मिलेगा, ऐसा कहना चाहती हैं आप? तो अभी क्या आश्वासन क्या मिला आपको? दीदी सबको बता जी, दीदी सबको बता, इंसाफ आपको चाहिए तो जवाब तो आप ही को देना पड़ेगा आरती। इंसाफ आपको अगर चाहिए तो जवाब आप ही को देना पड़ेगा, और अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगी तो आगे लोग, जो बिहार की जनता जो सुन रही है, वो क्या मानेगी?
तुम्हें जो उन्होंने बताया है, जब जब आपसे सवाल किए गए हैं ना, तब तब आपने जब बुरा मत मानिएगा, जब जब आपसे सवाल किए गए हैं कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में जब आप बयान देती हैं तो उस समय आपकी आवाज टाइट रहती है, ऐसा क्यों दिखने को मिलता है? नहीं, आज बहुत टाइट थी, आज सुबह से देखिए तबीयत से, उतना धूप था, गर्मी था, कितना मतलब ऐसे और बुला करके आए, तो जहाँ से आप बिलोंग करती हैं वहाँ पे कोई भी एसी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे भी गर्मी होती है। 4 बजे सुबह चली है, कितना देर वेट करें मीडिया के लोग, आप जवाब देंगे प्रॉपर तरीके से? कितना देर, 2-4 घंटे वेट कर ले हम लोग? नहीं, आप बता दीजिए, थोड़ा सा बता दो आपको तेजस्वी जी ने क्या बोला वो बता दो। सच का सामना करो आरती, तभी तुम्हें इंसाफ मिलेगा, सच का सामना करना ही पड़ेगा। क्या बोले वो? वो तो बोले कि हम देखेंगे, इसमें लिए पेपर सब लिए है ना, तो अब तुम्हें इस सरकार से उम्मीद है कि सरकार से इंसाफ मिल जाएगा? पेपर लिया, और कल के डेट में अगर ये उम्मीद टूटती है तो क्या करोगी? उन्होंने जवाब के लिए भी बोला, ये बता दो उम्मीद कैसे टूटेंगे, आप तो लिए हैं कागज। तो पहले वाली सरकार से भी आपको बहुत सारी उम्मीद थी, टूट गई ना? लेकिन मुख्यमंत्री अभी वही है जो पहले वाली सरकार में थे। आपके वहाँ पे सांसद साहब मिलने आए थे ना आपसे? सांसद, वो सांसद किस पार्टी के थे? देखिए ये ना किसी पार्टी की बात नहीं कर रही है। नहीं मैडम, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बातों को नहीं। यहाँ पे गठबंधन की सरकार जो है, इनसे इनको उम्मीद जगी है, यही सरकार जो है, पहले जो नीतीश बाबू ही मुख्यमंत्री थे जो है, और पहले सरकार थी बीजेपी के साथ में जो है, पहले इनके यानी इनके यहाँ मतलब जो सांसद महोदय थे वो मिलने गए थे, लेकिन जो विधायक जी थे वो मिलने नहीं गए थे, और इनके पिताजी ने आरोप लगाया था कि हो सकता है कि विधायक जी हमारे यहाँ नहीं आ रहे हैं, इसके पीछे रीजन ये है कि उनको पिछले पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, इनके पिताजी को सपोर्ट कर रहे हैं, सीधी सी बात है। पिताजी से पूछ रहे हैं, तो इसको बस नहीं, इनको भी पता है इस चीज के बारे में। नहीं, छोटू से दोस्ती आपको कैसे बनी थी? छोटू से प्यार आपको कैसे हुआ था? शुरू से बताइए आप। देखिए प्यार कैसे होता है, वही तो पूछ रहे हैं। प्यार कैसे होता है, नहीं जानती। नहीं, वही तो पूछ रहे हैं, कैसे हुआ था, नजदीकी कैसे बढ़ी थी? नजदीकी कैसे बढ़ती? एक और क्वेश्चन है आपसे, नहीं रुकिए, एक क्वेश्चन और है इनके साथ में, एक जो है एक मिनट, आपके साथ कौन कौन आया अभी आरती? मेरे साथ मेन हमको ये जो काम यार, छोटू के पापा है यार, पुष्कर को। अच्छा एक बात बताइए, केस का अपडेट क्या है आपका, कहाँ तक केस पहुँचा है आपका? इनके गांव वालों ने बोला कि छोटू के मौत के एक दिन पहले वो साथ में थी जय छोटू के। हाँ वो होगा, पर केस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, साथ में रहती थी अभी तो जो प्रतिदिन ना केस है उस पे बात कीजिए, सबके बारे में हमसे मत पूछिए, पापा है उसी। अच्छा बताइए केस कहां तक पहुंचा आपका, जो हो गया उसके बारे में बात मत कीजिए अभी, केस से आप कैसे लड़िएगा जब आपको कुछ मालूम है ना? हम लोग भी आपके लड़ रहे हैं, महिला विकास मंच हर एक चीज को जॉब के लिए, मैं एक अच्छी चीज बता रही हूँ जो आप खुद बता दो आरती, आपके इनके जॉब के लिए भी आश्वासन दिया उन्होंने तेजस्वी जी। डीएसपी, हम डीएसपी से बात करते हैं तो वो आप संतुष्ट नहीं है, बिना मान नहीं है, बिल्कुल नहीं है, डीएसपी सरासर झूठ बोल रहे हैं। पुष्कर जी जो हैं, इनकी रिकॉर्डिंग आज मैं जो बात कर रही थी डीएसपी साहब से, उन्होंने स्पष्ट में कहा कि सुपरविजन हो गया, फिर आईओ से बात किए, आईओ कहते हैं कि नहीं सुपरविजन तो हुआ ही नहीं है मैडम। उसके बाद वकील से बात करते हैं, कहते नहीं सुपरविजन हुई नहीं, सरकारी वकील सुपरविजन हुई नहीं, लेकिन डीएसपी पुष्कर कहते हैं कि सुपरविजन हो गया। भाई सुपरविजन हो गया तो उसका रिपोर्ट भी तो होगा ना, तो मुद्दे की बात होनी चाहिए। सुपरविजन का रिपोर्ट नहीं मिला आपको? बना ही नहीं तो मिलेगा क्या? तो आप कह रही है ना कि सुपरविजन, मैं नहीं कह रही हूँ, डीएसपी साहब कह रहे हैं, मैं तो कह ही रही हूँ, मैं श्योर हूँ कि सुपरविजन नहीं हुआ है, लेकिन वो झूठ बोलते हैं। उनसे बात करने की रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास, मैं बात कर रही हूँ, उनकी वॉइस आ रही है उधर से, तो ये तो गलत बात है। कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट हो रहा है, उधर से बोला जा रहा है कि सुपरविजन हो गया, कंफ्यूजन कहीं नहीं क्रिएट हो रहा है। अब आप हमसे पूछिए सच्चाई, मैं बताती हूँ, मेरे पास फोन आया है 15-20 दिन पहले, जब ये मामला तूल पकड़ा, महिला विकास मंच इसमें आई कि हम न्याय दिलाएंगे छोटू को, उनके माता पिता का आंसू देख के सबसे पहले फोन आता है, ये मामला अटका है वहाँ के लोकल विधायक और डीएसपी के बीच में। लोकल विधायक का प्रेशर है कि वो जो है ये किसी भी तरह सुपरविजन होने ही नहीं देंगे। मुझे लगातार आरती को मदद कर रही है, आज शायद आपने ही लेके गया था तेजस्वी यादव के पास में, जी आप भी गई थी मिलने के लिए? जी हाँ गए थे। क्या बातें हुई वहाँ पे? वो बहुत हम्बली, पहले तो वेट करना पड़ता है जो प्रोसेस है, गाड़ी उनकी निकली, हमारी जो टीम थी वो पूरी उनसे समय ली गाड़ी रोक के, उन्होंने कहा बस मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ और आप लोगों से मिलूंगा, ठीक आधे घंटे में वो आए और उनसे मुलाकात भी हुई, वो अंदर बुला के जितनी बातें हमें कहनी थी सारी बातें कह दी उनको। मेन हमें बस सुपरविजन कराइए और प्रॉपर सुपरविजन कराइए। आज 50 दिन हो गए,
आरती अगर कल्प्रिट है आरती को भी सजा मिले। हम ये कहाँ बोल रहे हैं कि नहीं, हमें छोटू के जो मर्डरर्स हैं, वो मर्डर हुआ है, वो कोई सुसाइड नहीं था छोटू का। देवी अभी नहीं पकड़ा गया। अरे कोई देवी नहीं पकड़ा गया, मामला तो मैनेज हो गया। अरे भैया पकड़ा कैसे जाएगा, यहाँ तो इतना मोटा पैसा का खेल चल रहा है पूरा, तो कैसे पकड़ा जाएगा। आरोप लगा रही है। नहीं नहीं, बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं। देखिए मैनेज हुआ है, अगर मैनेज नहीं होता तो 50 दिन बाद भी रिपोर्ट नहीं आया है। आप क्या कहते हैं कि मैनेज नहीं हुआ है। आज इसकी जान भी खतरे में, आरती की जान भी खतरे में, जान खतरे में आए दिन इसे रोज धमकी मिल रही है।